डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पवन राठौर। आज हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। जो भूमि में जल उपस्थित है, जिसमें से प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है या पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार का जल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट प्लांट के लिए कौन सा वाटर अच्छा है, अर्थात प्लांट किस वाटर को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, आज हम इसमें देखेंगे। जिसका कि जो टाइटल है, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें मेनली जो कैपिलरी वाटर होता है वह इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। हम पढ़ेंगे डिटेल से कैपिलरी वाटर क्या होता है। केशिकत्व जल जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जो जड़ें होती है विभिन्न प्रकार की, वह कैपिलरी वाटर को अच्छी मात्रा में उसको एब्जॉर्ब करती है। हम देखें टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर में, फर्स्ट जिसमें कि जो केमिकली रासायनिक रूप से संयोजित बल होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो सॉइल है, विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस उपस्थित होते हैं सॉइल में। ठीक है, जो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपलब्ध हैं, उनमें संयोजन कर उपस्थित होता है, अर्थात जो केमिकल फॉर्म में कुछ ना कुछ सबस्टेंस है वह सॉइल से कहीं ना कहीं अटैच होता है और वह वाटर प्लांट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, उस पानी का पौधे उपयोग नहीं कर पाते, अर्थात यह भी अनुपयोगी होता है, अर्थात इस वाटर का यूज प्लांट नहीं करते, जो कि केमिकली कंबाइंड होता है, अर्थात कुछ ना कुछ केमिकल सबस्टेंस हो वाटर में वह पानी। सेकेंड, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, आर्द्रता ग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है वह कौन सा वाटर होता है, तो देखें जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, मिट्टी में, मिट्टी के आसपास सड़े गले कार्बनिक, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, ठीक है, उनमें यह वाटर उपलब्ध होता है और यह पानी भी पौधे नहीं उपयोग कर पाते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का भी प्लांट यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि यह केमिकली तो खराब है ही, बट उसमें जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, जो सड़े गले होते हैं, उसके चारों ओर में यह प्रेजेंट हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, यह जो एब्जॉर्प्शन है, जो रूट हेयर्स है विभिन्न प्रकार की जो पाई जा रही है प्लांट में, वह इस वाटर को एब्जॉर्ब आसानी से नहीं कर पाती। केशिकत्व जल महत्वपूर्ण होता है, कैपिलरी वाटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रूट हेयर के माध्यम से एब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात अवशोषण होता है। प्लांट की जड़ें जो होती है उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वह केशिकत्व जल को आसानी से एब्जॉर्ब करती है, अर्थात जो कैपिलरी वाटर है उसमें सरफेस टेंशन के कारण सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर प्रेजेंट होता है, ये एक पॉइंट इसका। और जो विभिन्न प्रकार के कण है सॉइल के, ठीक है, उसके बीच में कैपिलरीज, बहुत सारी नलिकाएं जो पार्टिकल है उसके बीच में कैपिलरीज जो है उनमें कलेक्ट होता रहता है, वाटर कलेक्ट होता रहेगा, जिससे कि जो रूट हेयर है वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। विभिन्न प्रकार का पानी है उपलब्ध, बट जिसमें कि केशिकत्व जो कैपिलरी